हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं चिकन बाजरा कबाब। इसके लिए मैंने हाफ के जी चिकन का कीमा लिया है। ये बहुत फाइन कीमा है। अगर आप चाहो तो चिकन के पीसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके भी मिक्सर जार में ग्राइंड कर सकते हो। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट। ग्रीन चिलीज को मैंने इसी के साथ ग्राइंड कर लिया है। आप चाहो तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ग्रीन चिलीज कट करके भी ऐड कर सकते हो। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट। मैंने 2 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून ज़ीरा को इस तरह दरदरा मिक्सर जार में पीस लिया है। ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप बाजरे का आटा, 2 टेबलस्पून बेसन, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी ऐड कर सकते हो। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लेमन जूस, 2 अनियंस को मैंने फाइनली चॉप किया है ये ऐड करेंगे, 1/2 कप हरा धनिया, 1/4 कप पुदीना, 1/4 कप स्प्रिंग अनियंस के ग्रीन पार्ट है ये हरी प्याज, 1 टमाटर को मैंने फाइनली चॉप किया है ये ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो सेम मटन में भी बना सकते हो, मटन के कीमे में भी, लेकिन मैरिनेशन के लिए थोड़ा टाइम आपको रखना पड़ेगा। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपके कीमे में बाइंडिंग नहीं है तो आप इसमें और भी बाजरे का आटा ऐड कर सकते हो। ये अच्छे से फॉर्म हो रहा है तो मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, वरना आप 1 to 2 टेबलस्पून और बाजरे का आटा ऐड कर सकते हो। मैं इसको 1 घंटे के लिए इसी तरह रखूँगी और फिर बाद में मैं इसका कबाब बनाऊँगी। आप चाहो तो इमीजिएटली भी बना सकते हो। 1 घंटा हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून घी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इस तरह के कबाब बनाऊंगी। आप चाहो तो छोटे छोटे राउंड्स बनाकर डीप फ्राई भी कर सकते हो। तवे पर मैंने ऑयल हीट करने के लिए रखा है। अब इसमें हम ये कबाब डालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हम थोड़ा डार्क शेड में फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। एक साइड से होने के बाद हम इसको पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी हम इस तरह फ्राई कर लेंगे। सभी कबाब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इस तरह हमें इसको फ्राई करना है थोड़ा डार्क शेड में। इसको हम साइड में रख देंगे और बाकी कबाब भी हम फ्राई कर लेंगे। कबाब हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। मैंने इस तरह के लंबे पाव और हरी चटनी के साथ इसको सर्व किया है। चटनी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।